गाइस अस्सलाम वालेकुम दैट्स मी सेइंग हेलो टू यू ऑल तो जनाब आज हम ये मेकअप ट्यूटोरियल करने वाले हैं ये वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल है और किसी भी इवेंट में तकरीब में आप ये मेकअप कर सकते हो बहुत इजी पीजी है सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले मैं जो है कॉन्टेक्ट लेंसेस लगा रही हूँ ये शेड मैं यूज़ कर रही हूँ डायमंड ग्रे और ये जो है मिसेस एच वालों के शेड्स हैं और उसके बाद मैं जो है अप्लाई करूँगी प्राइमर प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है स्किन पर यह आपकी मेकअप और स्किन को मतलब मेकअप से स्किन को प्रोटेक्ट करता है और ऑयली स्किन वालों के लिए ये जे डॉट का जेल बेस्ड प्राइमर बहुत परफेक्ट है आप जो है ट्राई कर सकती हैं अच्छे से लगाएंगे पोर्स पर थोड़ा सा लगाएँगे ज़्यादा प्राइमर नहीं लगाएंगे वरना फाउंडेशन जो है स्लिपरी हो जाता है देन उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ डर्माकोल मेकअप कवर शेड नंबर 218 ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है लाइट टू मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन है ये डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी लगा रहे हो मैं जो है एक डॉट लूँगी और इससे जो है अपना पूरा फेस कवर करूँगी और अपना नेक भी कवर करूँगी ये जो है आपको आठ से बारह से सोलह घंटे तक की जो है अच्छी कवरेज देता है अच्छे से ब्लेंड करना है अच्छे से अप्लाई करना है ब्लेंडिंग के लिए मैं अपना मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर रही हूँ सिग्मा ब्यूटी का फ्लैट एफ ए टी कबू की ब्रश अब मैं जो है कंसील करूंगी कंसील एंड हाईलाइट वाला कंसील अपने जो है अंडर आई एरिया अपने टी जोन पर ये थोड़ा सा लगाऊंगी और इसको जो है फिर मैं ब्लेंड कर दूंगी सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो काइंडली आप वहाँ से देख लीजिएगा फ़ाउंडेशन uh, को सेट करने के लिए मैं जो है यूज़ कर रही हूँ जे डोट का नोट फेस पाउडर जो कि बहुत बेहतरीन है ये कॉम्पैक्ट पाउडर है फेस पाउडर सॉरी फेस पाउडर बहुत अच्छे से अप्लाई करना है और एक्सेस पाउडर को रिमूव कर देना है ये लगाने से जो है आपका फ़ाउंडेशन बिल्कुल पैक हो जाता है जैम पैक और बहुत अच्छी कवरेज देता है अच्छे से लगाओ एंड देन एक्स्ट्रा जो पाउडर है उसको पाउडर ब्रश से एक्सेस को रिमूव कर दो सही है देन उसके बाद हम सेट करेंगे हमारे ब्राउज ब्राउज को सेट करने के लिए मैं ये अपना आई शेडो पैलेट में से डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और मेरा जो अपना एक्चुअल ब्राउज का आर्च है उसी को जो है इनहेंस कर रही हूँ अलग से कोई आई ब्रो ड्रॉ नहीं कर रही हूँ आपके भी जो अपने खुद के ब्राउज हों वही इन्हेंस किया करें तो उससे जो है नेचुरल और जो है प्यारा लुक आता है मैं जो है ओमरे ब्राउज़ बनाती हूँ मतलब कॉर्नर से डार्क करती हूँ और फ्रंट से जो है लाइट रखती हूँ तो इससे अच्छा लगता है सेम दूसरे ब्राउज़ पर भी जो है यही टेक्निक यूज़ करेंगे और फिल इन करेंगे दैन उसके बाद हम जो है हमारा आई मेकअप शुरू करेंगे क्रीज बिल्डअप करने के लिए मैं ये वाला शेड ले रही हूँ अच्छे से जो है क्रीज बिल्डअप करेंगे और आउटर कॉर्नर से लेके कर इनर कॉर्नर तक लेकर आएंगे लोअर लैश पर भी अप्लाई करेंगे ताकि आप आपका जो आई का शेप है वो इनहेंस नज़र आए और क्योंकि मैंने अपना ड्रेस जो है थोड़ा सा ग्रेस कलर का पहना हुआ है तो मैं थोड़ा आई मेकअप कर रही हूँ थोड़ा सा ट्रिकी टाइप तो जैसा मैं कह रही हूँ आप वैसे ही देखते रहिएगा ठीक है और इसके बाद मैं जो ये वाला शेड लूँगी और अपने अपनी उंगली से शहादत की जो मेरी उंगली है उससे मेन सॉकेट पर अप्लाई करूँगी तो इससे एक बहुत अच्छा सा जो है ग्रेनिश स्मोकी आई काइंड ऑफ अ थिंग बिल्ड होगा लेकिन मैं इसके साथ एक और भी शेड अप्लाई करूँगी ताकि जो है थोड़ा सा और डीप और प्यारा सा जो है आई मेकअप मेरा हो सके ओके okay, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रीनिश लग रहा है और मेरे ड्रेस के साथ नहीं जा रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये वाला शेड लेके इसके ऊपर ही अप्लाई करूँगी तो ये थोड़ा सा ना क्रोमिक शेड्स बन जाएगा क्योंकि मेरे कपड़े का कलर डिफरेंट है और मुझे उससे थोड़ा मिलता मिलता जुलता चाहिए और मेरे आई पैलेट में नहीं है तो इसलिए बनाना पड़ता है शेड तो मल्टीपल शेड्स मैंने लगाए हैं ताकि जो है थोड़ा सा क्रोमिक काइंड ऑफ शेड बन सके और उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ आ सके तो अगर आपके पास शेड ना हो एक्जैक्ट तो आप जो है मिक्स एंड मैच करके अपना आई शेडो का कलर बनाते हैं ठीक हो गया जी और फिर इनर कॉर्नर पर हम अप्लाई करेंगे ये वाला शेड बिल्कुल ही लाइटर ताकि जो है आपकी इनर कॉर्नर इन्स हो जाए और आँखें उठी उठी लगें दैन उसके बाद हम फटाफट से करेंगे कौटोर uh, कौनोर आपको पता है मेरी फेवरेट बहुत दिनों के बाद यूज़ कर रही हूँ कौनटोर किटू क्रिस्टाइन की आ, अपना डबल चेन जो है कॉन्ट्रोल करूँगी अपने छबी चीख्स से आजकल चबी चीख्स इतने है नहीं पर कॉन्ट्रोल कर लूँगी फिर भी नोज़ को कॉन्ट्रोल करूँगी डिफरेंट तरीके से नोज़ को कंट्रोल करती हूँ अगर आपका नाक मेरी तरह नहीं है तो आप अपने नाक के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रोल कीजिएगा जो जगह आपको दबानी हो वहाँ पर आप कॉन्ट्रोल लगाएंगी जो जगह उभारनी हो वहाँ पर हाईलाइट लगाएंगे ठीक है ये तरीका होता है कॉन्ट्रोल करने का उसके बाद हम जो है ब्लश अप्लाई करेंगे ए पी के का ब्लश लगा रही दी क्योंकि ये बहुत पिगमेंटेड है बहुत प्यारा है तो जो है जब हम लगाते हैं तो बहुत अच्छा एक लुक आता है और काफ़ी देर तक रहता है वरना जो ब्लश होते हैं वो वक्त के साथ साथ चले जाते हैं और विंटर्स में तो वैसे ही उड़ जाते हैं तो ये ए का जो है देसी ब्लश है बहुत अच्छा काम करता है नाउ आई एम अप्लाइंग मस्कारा ये जे डोड का मस्कारा है और बहुत ही ज़बरदस्त मस्कारा है वो लड़कियाँ जिनकी लैशेस बहुत ज़्यादा थिक नहीं है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है तो वो ये मस्कारा ट्राई कर सकती हैं बहुत ही खूबसूरत आपको जो है वॉल्यूम देता है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपके आई को इहेंस करता है लैशेज़ आप चाहें तो लगा सकती हैं बट मैं नहीं लगा रही लैशज़ मैं मस्कारे से ही जो है काम चला रही हूँ आजकल तो यही सही है उसके बाद हम अप्लाई करेंगे क्या अप्लाई करेंगे हाइलाइटर अप्लाई करेंगे क्योंकि अगर हाइलाइटर नहीं लगाया तो हमारा मेकअप कंप्लीट नहीं होएगा तो हाइलाइटर आपने लाजमी लगाना है ताकि आपको एक ग्लोई प्यारा सा और जो है खूबसूरत सा लुक मिल सके ओके अब बारी आती है लिपस्टिक की लिपस्टिक मैं अप्लाई कर रही हूँ ये कॉस्मिक की लिपस्टिक है इसका शेड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो वहाँ से देख लीजिएगा ये थोड़ा सा ना न्यूडी ब्राउन लिपस्टिक है सो so, मैंने ये अप्लाई की है साथ में जो है कड़े वड़े कंगन वंगन और टॉप्स वॉप्स सब पहनूंगी अपना लुक जो है कंप्लीट करूंगी ताकि जो है अच्छा सा सीन ऑन हो सके अच्छा गले में मैं कुछ ऐसा पहन नहीं रही हूँ तो इसलिए मैं बड़े बड़े झुमके पहन लूँगी और मुझे लग रहा है कि लिपस्टिक ना थोड़ी सी इतनी कोई मज़ेदार नहीं लग रही है तो इसके ऊपर मैंने जो है ना थोड़ा कॉस्मिक की महरून शेड की लिपस्टिक अप्लाई की है तो उससे ना थोड़ा सा ये खिलता हुआ मेरा मेकअप हो गया है तो मैंने जो है दो लिपस्टिक मिला के लगाई हैं इन दोनों के शेड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और हाँ आँखों के अंदर जो है मैं शिमरी स्टिक लगाना भूल गई थी तो वो लगा रही हूँ आखिर में और अगर आप चाहें तो काजल भी अप्लाई कर सकती हैं काजल भी बहुत प्यारा लगेगा सो या दैट इज़ द लुक आप देख सकते हैं ओवर आल दो इट इज़ दिस इज़ द फाइनल लुक एंड यू कैन सी वाडा प्यारा लुक आई क्रिएटेड सो ब्यूटिफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ सो ये आप जो है मेरे ख्याल से हर तरह के ड्रेस पे वेयर कर सकती हैं बहुत ही सुपर डुपर एलिगेंट और स्वीट और जो है बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप जो छोड़ है सो so ट्राई कीजिएगा ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आगे से मैंने जो है फ्रेंड मेरे थोड़े से वे कर दिए हैं और इस तरह का ही कोई सीन किया है सो या दिस इज द वीडियो आई होप यू लाइक इट अगर वीडियो अच्छी लगी हो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे मैं कृपा आपका याद रखिएगा बाय बाय